आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर काफी हद तक उत्तराखंड के आने वाले फैसले को साफ कर देगी। अभी जो धुंधली सी तस्वीर नजर आती है वो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि अनिल बलूनी जो लगातार एक संकट मोचक के तौर पर रहे हैं उत्तराखंड में, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो की कार्यवाहक सीएम है फिलहाल उत्तराखंड के, वो मिलने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, और उनकी ये जो मुलाकात है वो शुरू भी हो चुकी है। अब जब ये मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। काफी हद तक ये भी सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाने वाली है, क्योंकि इस बार चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि एक ऐसा चेहरा उत्तराखंड को दिया जाए जो अगले 5 साल तक मजबूती के साथ उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए, विकास के लिए काम करे, जिसे उत्तराखंड की जनता भी पसंद करे, विश्वास करे। जो बार बार चेहरे बदलने की नौबत आती है वो नौबत ना आए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, और इसीलिए तमाम कॉम्बिनेशन, तमाम फॉर्मूलों पर इस वक्त विचार किया जा रहा है। लगातार विधायकों से रायशुमारी की जा रही है, सांसदों से रायशुमारी की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। और इस बीच ये जो तस्वीर अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये जरूर समझा जा सकता है कि काफी हद तक चीजें अभी साफ हो सकती हैं, क्योंकि लगातार ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी बेशक खटीमा सीट से हार गए हों, लेकिन एक बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, उत्तराखंड की कमान उन पर सौंप सकती है, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में पार्टी में, खासकर उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी ने एक अच्छी छवि बनाई थी, लोगों का विश्वास जीता था, और उन्हीं के चेहरे को आगे करके उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का ये चुनाव लड़ा था, जिसमें अच्छी बहुमत मिला था, अच्छी बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए पुष्कर सिंह धामी भी एक प्रबल संभावना जताए जा रहे हैं। अविनाश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अविनाश अब क्या जानकारी मिल रही है, कोई सूचना निकल कर आ रही है सामने इस बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक चल रही है, और ये बैठक काफी निर्णायक होगी, क्योंकि अगर बात करें तो आलाकमान को अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो इस बैठक में शायद गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर दे पुष्कर सिंह धामी को कि नहीं, अगले मुख्यमंत्री तुम ही होगे, और अगर नहीं बनाना होगा तो भी उनको इत्तला कर दी जाएगी कि नहीं, चूंकि तुम चुनाव हार चुके हो इसलिए लिहाजा संगठन तुम्हारे हित का ख्याल रखेगा, संगठन में तुमको नए दायित्व दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई और होगा। ये काफी निर्णायक बैठक हो रही है और इसका थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है। लेकिन जिस तरीके से आज दिन भर बैठकों का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी के अगर अतीत के इतिहास को देखें तो काफी कुछ जो है देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी, मैं फिर से कहूंगा कि हमेशा से चौंकाने वाली पार्टी रही है, खासतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का युग शुरू हुआ है, तब से अगर बात करें तो कई सारे ऐसे फैसले रहे हैं कि जब जब भी लगता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ऐसा करके दिखाया है। तो इसलिए अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य होगा, लेकिन लगातार मंथन जरूर जारी है। अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन की बैठक हुई, वहां पे तमाम सारी चीजें तफसील से बातचीत की गई कि आखिर कुमाऊं मंडल में इतनी कम सीटें क्यों आई, जबकि कुमाऊं मंडल में ही सीएम मौजूद थे, कुमाऊं मंडल से सीएम आते हैं तो इतनी सीटें क्यों रही। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिर यह भी पूछा गया कि खटीमा में आखिर हार क्यों हुई, जबकि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो खटीमा से हार क्यों हुई। इन तमाम सारी चीजों का विश्लेषण किया गया और फिर उसके बाद बैठक खत्म हुई, और बैठक जैसे ही खत्म हुई उसके बाद अगर बात करें तो संगठन से जुड़े हुए जो तमाम सारे लोग हैं वो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पहुंचते हैं, जहां पे तमाम सारे जो पहले से नेता हैं वो भी मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री भी प्रहलाद जोशी के घर पहुंचते हैं और वहां पे 10 से 15 मिनट रुकते हैं, और उसके बाद फिर वो आ जाते हैं सीधे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर, और यहां तकरीबन 40 मिनट दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा काफिला छोड़ के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इनोवा गाड़ी में बैठते हैं और यहां से सीधे चले जाते हैं संसद भवन गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। कमोबेश ऐसी स्थिति अगर मैं याद करूं तो 2020 में भी बनी थी, जब कार्यवाहक उस समय मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था तीरथ सिंह रावत से पहले, अगर बात करें तो बनाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, तो जब वो अपनी सत्ता छोड़ रहे थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई थी कि वो अपने पूरा काफिला छोड़ के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पे आए थे और यहां पे इनसे मुलाकात की थी, और फिर साधारण इनोवा से ही बैठ के निकल गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके त्याग पत्र दे दिया था। तो कुछ वैसी तस्वीर उभरती हुई यहां पे भी
की थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ भी कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। भाजपा हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करते आई है, इसलिए लिहाजा जब तक फैसला हो ना जाए तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन अतीत में जरूर ऐसा कुछ हुआ है, तब तक अविनाश इंतजार करना होगा। बिल्कुल ठीक है आपने, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ऐसा फैसला लेती है जो सबकी उम्मीदों से परे होता है।